क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग के न कोई खाने और कमाने की मजदूरी है, न हमारे बच्चों के पढ़ने लिखे की सुविधा है, न हम लोग के गांव में घर मकान है। हम लोग मजदूरी करने जाते हैं बड़ जातियों के, तो हम लोग के एक दिन का देते हैं, चार दिन का बेईमानी कर जाते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं। तो बताइए सर, हम लोग कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे? सब कुछ तो सरकार का है, हम लोग कहाँ रहेंगे? बच्चे हैं, पढ़ लिख के परीक्षा नहीं दे पाते हैं, पैसा नहीं है कि पढ़ाएं प्राइवेट। और मोदी जी साल में महीने में 5 किलो अनाज दे देते हैं, लड़का परानी जाते हैं शहर कमाने के लिए और वहाँ से आपस आते हैं। तो बताइए सर, हम लोग क्या खाएंगे? 5 किलो राशन में कैसे गुजारा करें? कैसे गुजारा करेंगे और सूखा कैसे खाएंगे? यही हमारा कहना है सर, हम लोग के खाने कमाने की सुविधा चाहिए। सरकार कोई ऐसी सुविधा देती नहीं है, पेंशन वगैरह आपको कुछ? नहीं सर, हम लोग के पेंशन वेंशन कुछ नहीं है। कोई स्कॉलरशिप पैसा देती हो पढ़ने के लिए? कुछ भी नहीं, स्कॉलरशिप भी रुक गया है, रुक दिया है। योगी राज में मिली नहीं? योगी जी के राज कहाँ मिला? बीए में लड़का बच्चे पढ़ते हैं, परीक्षा देते ही नहीं है। परीक्षा का कोई कोरोना है, कोरोना से रुक जाता है, कॉलर फीस भी नहीं आती है। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में 2 लड़के हैं, 2 लोग हम लोग हैं। हमारा आदमी बुढ़ा है, कुछ करने लायक नहीं है, उनको पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है? कितना पैसा मिलता है? मिला 300 रुपया महीना। 300 रुपया महीना, तो फिर आमदनी कैसे होती है घर में? पैसे कहाँ से कमाते हैं? कमाते हैं सर, वो तो बैठे हैं, बच्चे लोग जाते हैं, ये मोटा मोटा काम करते हैं, 300-400 पाते हैं, वही में अपन बीवी बच्चा देखते हैं, हम लोग के भी देखते हैं, यही बात है, यही कमाई है। आप क्या कह रही थी जब? आप कहाँ से आई हैं? मैं आईली से आई हूँ। तो आपके घर में कैसा चल रहा है काम धाम? ये झाड़ू पोछा लगाई ला, नए में जो समुदाय शौचालय बना है उसी में काम कर रहे हैं, उसी में भी पैसा मिल रहा है, 3-3 महीना पे रुक जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसी में चल रहा है गुजारा। 5 महीने राशन देते हैं, राशन मिलता है? राशन मिलता है, राशन। वो कह रहे हैं योगी जी की, देखो हम घर बैठे हुए राशन दे रहे हैं, तो सिर्फ राशन मिल जाता है वो काफी है आपके लिए? नहीं साहब, अब घर न द्वार कुछ न कुछ, मोड़ाई लगा कर रह रहे हैं, आवास तक नहीं मिल रहा है, हम लोग बड़ा परेशान हैं, घर नहीं है। अब हमने झोरा में एकदम तपेंगे, 5 छोटा छोटा बच्चा लेके परेशान है, एक न आवास है न कहीं कुछ बन रहा है, बस नाम है कि ऐसे करेंगे ये करेंगे देंगे, कुछ भी नहीं। 1 किलोमीटर दूरी पर हम लोग पानी भरने जाते हैं, 1 किलोमीटर दूर से पानी, पीने का पानी नहीं है? पानी है सर, दूर पर है, घर में नल नहीं लगा है? नहीं, नहीं, कमाई से लगावल जाए। वहाँ के जो विधायक हैं वो लोग मदद करते हैं? कुछ नहीं, हमारे विधायक तो कहीं नामा ही निशान नहीं है। फिर आपको आपके अच्छे दिन कब आएंगे, कौन लाएगा, किससे उम्मीद है आपको? हम लोग का अच्छा दिन सर यही आएगा कि हमारी बहन जी हो जाएंगी, हम लोग की नीमक रोटी खिलाएंगे, हम लोग खुशी रहेंगे, बस यही हम लोग का इच्छा है कि बहन जी हो जाएंगी, हम लोग को नीमक धर के रोटी खिलाएंगे, हम लोग को आत्मा शांति। जो दे रहे हैं वो भी पीछे से ले रहे हैं, और सबको पता नहीं चल रहा है कितना खोखला गरीब आदमी हो जा रहे हैं हम। अब कहीं 1,000 देंगे, श्रम कार्ड बनवा लो, ये बनवा लो, सब बन के बस पैसा घर में रखा है, अभी पल्ले भी ले ले, कोई एक पैसा नहीं आया, बस जनता का बस गुजार रहे हैं। हर महीने हम 1,000 रुपया डाल रहे हैं, मिला नहीं? बनवाए 2 पुराने हम लोग बनवाए, छोटा छोटा बच्चा उसको नहीं, परानी परानी बनवा कर है, बनवाएंगे वो बनाएंगे, पैसा लेकर बस चल जा रहे, कहीं कुछ नहीं, ताकि ऐसे पैसा आएगा यहाँ, पैसा कहीं कुछ नहीं। तो आप लोग जब, आप जब बहन जी 2012 से पहले मुख्यमंत्री थी, तो उस समय देखा होगा बहन जी का शासन, कैसा शासन था? अच्छा शासन था, बहुत बढ़िया बीता है, जब से 10 साल से आए हैं योगी जी मोदी जी, तब से हम लोग 100 रुपया किलो का तेल खा रहे हैं, आधा 35 रुपया का सीसी मिलता है, 40-45 रुपया का 100 रुपया के आधा किलो का बोतल है, उतने में 2 दिन में अगर अच्छा चीज खा लो बना के तो खा नहीं पाएंगे, इतना महंगाई चाप दिए हैं, कहाँ से करेंगे? मोदी जी के राज में हम लोग कोई से ताव से बोल नहीं पाते हैं, दबाव रखते हैं लोग,
पाव डालते हैं। हाँ, गांव के बड़े लोग, ठाकुर लोग, अहीर लोग थाने पर जाते हैं, वहाँ पर सुनवाई हम लोग की नहीं है। धमकाते हैं, धमकाते हैं वो लोग। हाँ, कहते हैं कि जाओ, ऐसा ऐसा केस तो रोज आती है। हाँ, ऐसा ऐसा केस रोज आती है। तो फिर बहन जी आएंगी तो सुधरेगा माहौल, बहन जी आएंगी तो फिर सुनवाई होगी। बहन जी आएंगी, हम लोग की बहुत सुविधा है, बहुत सुनवाई है। ये वजह की हम लोग की इज्जत आवरू बच जाएगी, हम लोग इसी में खुशी है। मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत काम किया, महिलाएं रात में भी बाहर जा सकती हैं, एकदम सब बढ़िया हो गया। हम लोग के लिए मोदी जी कहाँ कर कहले होंगे, कुछ नहीं, खाली हम लोग के वही राशन दे रहे हैं, इकरे अलावा कुछ नहीं। हम लोग के न पीसीएम है, न हम लोग के घर आवास है, न बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कोई सुविधा है, कुछ नहीं। आप लोग वोट डालेंगे बसपा को? बसपा को, बहन जी को? बसपा, बसपा कह रहा हूँ मैं, भाजपा नहीं कह रहा, बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी। बहन जी, बहन जी को वोट देंगे? बहन जी को वोट देंगे, खुला खुला देंगे, सबका देंगे बहन जी को, खाएंगे सबका। क्या क्या खिला रहे हैं आजकल बाहर, वहाँ पे पैसा साड़ी बांट रहे होंगे ना आपके गांव में? लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं। साफ सफाई का काम हम हाल में करेंगे, जून से लगा है हमारा, उसमें भी सामान आता है, ये आएगा 9,000 पगार है, उसमें से भी 6,000 मान के मिलता है, बड़े बात एक पैसा नहीं मिलता, लड़ाई नहीं ला तो ऊपर से सब सुन कर लोग साड़ी पैसा लेके वोट बीजेपी को तो नहीं दे देंगे? हम लोग के लिए बहन जी अपना सब कुछ कुर्बान किए हैं, हम लोग भी अपना सब कुछ उनके देंगे। हमारा देखो, हमारा रैली अंतर था, तो हम कल ड्यूटी नहीं करने जाएंगे, आज बंद कर देंगे ताला, लेकिन हमने बहन जी के जाएंगे, हमको खींचा था अंतर जाए बदे, हम कल नहीं, हम अपने में जाएगा। ये देखिए इनका समर्पण देखिए, तकलीफ भी है, जब जांगर चलाती तब ना रुपया मिला था, 200 रुपया रोज का मिलता है हमको मजदूर काम कर। हाँ, ये नया जो समुदायी शौचालय मोदी ने बना दिया, वो भी प्राइवेट है, सबका सोहराए तब जाके पैसा लगेगा, कुल लगेगा, तो क्या करें, नहीं जाते हम, जो जब तक है ना, हट जा हम मना करूँ। तो इनका नाराजगी भी है योगी सरकार से, मोदी सरकार से, कि उनके राज में महंगाई बढ़ी और गरीबी में इनको जीना पड़ रहा है, कोई सुविधा उस तरह से नहीं मिली है। इनका कहना है कि अगर बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो इनके अच्छे दिन आएंगे, मोदी तो अच्छे दिन नहीं लाया, लेकिन बहन जी इनके अच्छे दिन लाएगी इनका यकीन है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और सुमित स्टोरी में मेरी मदद करें मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।